अजनी पुलिस थाने हद में गुरुवार देर रात अमोल सुरेश मेहर नामक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना में चार आरोपियों का हाथ होने की जानकारी है। कुख्यात मेहर गिरोह के चार सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान रजत शर्मा, अंकित शर्मा, नितेश मस्के और सुनैन खर्चे के रूप में की है। अजनी PI लक्ष्मण केंद्रे ने बताया कि कुछ दिन पहले रजत और अमोल के बीच पड़ोस में बहस हुई थी, इससे प्रथम दृष्टा अमोल पर जानलेवा हमला हुआ। कुछ दिन पहले रजत अजनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हावरापेट इलाके में स्थानीय लोगों पर गालियां दे रहा था। इसके बाद अमोल ने उसका सामना किया और उसे आसपास के क्षेत्र में ठीक से व्यवहार करने के लिए कहा। हालांकि इससे रजत उत्तेजित हो गया, जिसने बाद में अमोल को खत्म करने की साजिश रची। केंद्र ने कहा, गुरुवार की रात लगभग 11 बजे सभी आरोपियों ने अमोल को हावरापेट इलाके में सीमेंट रोड के पास घेर लिया और उस पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे अमोल खून से लथपथ हो गया। सभी मौके से भाग गए। उन्हें सरकारी मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। PI ने कहा, आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जाँच जारी है। हावरापेट में रहने वाले अमोल मेहर, इस व्यक्ति पर हमला हुआ, उसमें उनकी मौत हो गई है। उस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ गुनाह दर्ज किया है। उसमें से अपन चौकसी लिए कुछ आरोपी ताबे में भी लिए हुए हैं कि चौकसी में अभी शुरुआती चौकस में हमको इनका आरोपी और इनका कुछ पुराना एक विवाद था, ऐसा आ रहा है। चौकसी में क्या विवाद था, किस वजह से घटना हुई, उसमें और कौन कौन शामिल है, इसकी चौकसी और तपस चालू है। ये जो मैयत है, इसका प्रॉपर्टी ब्रोकरिंग का काम था, ऐसा सुनने में आ रहा है। इनका कोई हाँ, इस आरोपी है जो कुछ किताबें मिली है उनका भी, और उनका अभी तक भी पुराना रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए अविनाश तोतड़े, नागपुर।